के इंदिरी के गांव खेड़ा में अपनी बहू के द्वारा घर से बेघर हुई सास अब न्याय पाने के लिए पुलिस व राजनेताओं के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी हल नहीं निकल पाया है। करनाल के सांसद संजय भाटिया वो विधायक रामकुमार के दरबार में अपनी गुहार लगा चुकी है। यह बुजुर्ग मिला काफी परेशान है, उसके पास रोटी जुटा पाने का कोई भी जरिया नहीं है। आज विधायक रामकुमार कश्यप के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची गांव खेड़ा की कांता ने। पहले तो विधायक के सामने अपनी बात रखी, उसके बाद पत्रकारों के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए बताया कि उसकी बहू ने पिछले कई महीनों से उसको घर से बेघर कर रखा है। उसके पति पर बलात्कार का आरोप लगाकर उसको जेल में बंद करवा दिया तथा अब उसके पोते को भी नशा करने का आरोप लगाकर घर से बाहर निकाल दिया है। कांता ने बताया कि उसकी बहू ने उस पर काफी अत्याचार किए हैं और उसे घर से निकालकर अपनी माँ को अपने पास रख लिया है। गांव के कुछ लोग उसकी मदद कर रहे हैं। कांता ने बताया कि इस मामले में पुलिस भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही। पुलिस गांव में आती है लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं करती है। कांता ने और आरोप लगाया कि पुलिस भी उसकी बहू के साथ मिली हुई है। उसने बताया कि वो अपनी गुहार सांसद संजय भाटिया व विधायक रामकुमार कश्यप के पास लगा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी मसला हल नहीं हो पा रहा है। इंदिरी की भाजपा महिला मंडल की प्रधान ममता ने बताया कि हमने कई बार गांव की कई महिलाओं को साथ लेकर कांता की बहू को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सांसद व विधायक के पास भी शिकायत की गई। विधायक ने एसपी से बात करने का वायदा किया है। कांता के पोते आर्यन ने कहा कि उसकी मां ने उस पर नशा करने का आरोप लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अब वो अपनी दादी के पास रह रहा है। उसने कहा कि उसकी दादी व उसके साथ मारपीट करती है और किसी की भी नहीं सुनती। इस बारे में विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि यह घरेलू मामला उनके संज्ञान में आया है। बुजुर्ग है जो लॉकडाउन के अंदर इसको घर से इसकी बहू ने जी मारपीट के बाहर निकाल दिया था। उसके बाद ये बेचारी सड़क पे जा रही थी जी मरने के लिए जी, फिर हम इसको पकड़ के लेके आए, हम अपने घर ले जी। हम खुद गांव की पांच चार औरतें उसके पास गई भी, तू ऐसा क्यों कर रही? तो उसने हमारी कुछ नहीं मानी, कह रही जारी जान दे मैं नहीं रखती इसको। उसके बाद इसने थाने में दरखास्त दी जी, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। उसके बाद फिर डीएसपी से भी मिले जी, डीएसपी ने एसएचओ के पास भेज दिया, एसएचओ ऐसे ही जी बस गोल गोल घुमा रहे जी, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही जी। विधायक से भी मिले, सांसद से भी मिले, डीएसपी ने मैं बोला भले जाओ मैं कार्रवाई कराऊंगा। उसके बाद इसने अपने लड़के को भी पीट दिया जी, घर गया ये इसको पीटा छेता, इसके ऊपर गलत आरोप लगाए कि ये तो नशा करा दारू पीवा, और उसके बाद फिर इसको घर से निकाल दिया। जैसे ये घर जावा जी बाहर निकाल दा जी। एक दिन ये घर में अकेला था आई जी, वो आके फिर दो लड़के उसके साथ थे जी, इसको मारना पीटना शुरू कर दिया, ये भाग गया जी वहाँ से घर से, तब से ये बाहर ही है। फिर ये अपनी बुआ के घर गया जी दादी के साथ, फिर दादी के घर दादी के साथ जाके जी फिर वहीं दोनों वहीं रह रहे जी। फिर बेचारे उस दिन के घूम ही रहे जी, कभी विधायक के पास, कभी डीएसपी के, कभी एसएचओ के, पुलिस गांव तक जावा जी पर कोई कार्रवाई नहीं कर दी। वो पुलिस को ही धमका दे जी वहाँ जाके, फैसले दो समझौते थाने में हुए जी, एक कल करा जी, लेकिन उसने कल खड़े होके बाहर कह दिया भाई मैं कुछ नहीं कार्रवाई कर दी जी। हमने सोचा भाई चलो हम खुद ही इसका फैसला कराए, तो हमें भी गंदी गंदी गाड़ियाँ देके बोल ला जी, कुछ तो कुछ बोल ला, पुलिस वाले वहीं रहे कुछ कार्रवाई नहीं कर दे जी। मैं तो लेडी पुलिस उनके साथ हो वो भी चुपचाप खड़ी सुने जावा जी, धमकाना चाहिए थोड़ा, न्यू कहे जी वो तो कल नू का पैसा देखो तमाशा देखो जी, मैं तो पैसे खड़ा रही, मेरा पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती कहे तो पैसा फेंक तमाशा। और इनकी जमीन है जी, जो जमीन भी बेचने लग रही जी, वो बच्चों का भी बेच दिया आधा किला और इसका भी बेच दिया जी उसने, और ससुर को क्लेम भी आज मिला, इनके घर वाले को उसमें जी बलात्कार के केस में अंदर करवा दिया जी उसने। कैसे ही सबको जो भी गांव का जवान को दम किया, अभी तो मैं अंदर करा दूंगी जी। मैं गाँव के कुछ गलत है जो उसके साथ थोड़ा जो गंदे ही है जो उसका साथ दे रहे, ऐसा नहीं है एक दो होगा जी, कोई नहीं है जो गंदा होगा उसका साथ दे रहे, वैसे पूरा गांव उसके खिलाफ है जी। हाँ जी इसलिए कराया, वो जमीन बेचा थी जी, उसने मना कर दिया भाई जमीन नहीं बेच दे, उसने उनसे दस्तखत करा के जबरदस्ती इनसे भी भाई तेरे बाबे को अंदर करा दूंगी, इनसे भी साइन करा रखे, इनसे भी करा रखे जी, और फिर जब जमीन के साइन हो गए उसको अंदर करा दिया जी। उसने बोला भाई जमीन नहीं बेचनी, विधायक जी ने बोला भाई चलो एसपी से मिलाऊंगा मैं तुम्हें भाई, अगर यहाँ भी कार्रवाई नहीं हो रही फिर एसपी के पास जाना, उनसे मिलवा दूंगा फिर कार्रवाई होगी जी। शुरू से ही कर रहा जी, वो जी रोला जमीन से शुरू हुआ था, उन्हें जमीन बेचनी कर दी जी, हमारे नाम का गार्डियन सर्टिफिकेट लेगा। हमने उससे जब पैसों का श्याम मांगा तो कहने लगेगा वो मेरे को नहीं आया कुछ भी,
वहाँ से बाद रोला शुरू हुआ था जी। उसके बाद उन्होंने मेरा अब 376 मंदिर करवा दिया था जी। उसके बाद दादी बाहर काट दी जी, थोड़े दिन बाद में बाहर काट दिया। मेरे तो कहने लगी था कुछ नहीं कहो यहाँ मरूँ यहाँ तक हुआ। अरे कल गए थे जी वहाँ वो करने वास्ता अपना जो उन्हें फैसला लिख कर दिया था थाने में, उस पर भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। वहाँ भी पुलिस वाले जाकर कहने लगे भाई 10 दिन को और टाइम दे दो गोवा। और जी जो भी बच रहा उसने भी उन्हें मकान मकून भी बेचने काट रखे हैं जी सारे। सारा कुछ बेचना काट रखे जी। वो पता नहीं जी, वो तो सोच रही कि सारा कुछ मैं ही ले लूँगी यहाँ का, वो जो बेचने के लिए फिर रिया सारा कुछ। आपका भी आरोप लगा रही कुछ? हाँ जी, मेरे साथ मारपीट करके मेरी दरखास्त है, मेरे नाम के FIR लिखवा रखी जी कि उसने करी मेरे हमारे साथ मारपीट तक हुआ। पुलिस वाले से कह रही कि इसका चलान करो गो इसके लटकेगा। दरखास्त भी दे ली, 3 फैसले कर लिए उसने और फैसले में कुछ नहीं कर रही। घर में तो चीज़ा बेच रही, डंगर मेरे बेच दिए, मशीन घास काटने की ना बेच दी, नाज उन्ना बेच दिया, छोड़ उन्ना बेच दिए। इब करा तो क्या करा, छेत पीट का मैं विकार्ड रखे रही हूँ, पोता मेरी गिरलो ये विकार्ड रखा कहाँ रहा इब हम। इब तो हमने 3 महीने गए हम लुंडी के लवा रह रहे, उखे भी सासू सोरे लग रहे कहाँ लग गए, अखे तो इन्हें रख लो और यम ना रख लो। जाओ, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही क्या? कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी पुलिस, जाओ अरे ले चुपे देख आ जा, 8 दिन रह जाओ 10 दिन रह लो और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कल भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कतई भी हम सब ते मिल लिए जी, सारा दे लिया मां दरखास्त, बस इतना तो नहर में छाड़ मारनी रह गई। कौन है आपकी बहू? आ जी, लड़का तो मेरा गुजर गया था, 4 साल हो गए ना तो लड़कियां घरों बढ़ दी मेरी, बड़ी जीव का वो छोकरा गया था ना, ना बुलाई और ना उनके नो लेवा, तो रात दम की दी उत्ते बड़ी छोटी लोंडी थे निकाम तो सामान ले आऊंगी कल ला। तो क्या कार्रवाई चलता है? मना तो छत्ती अपना सिर लुकाने ने ना जा कतना कहां जाऊंगी मैं लेकर। तो पोता भी काट रखे? हां जी। यो आज मेरे पत्ता यो भी काट रखा 22 दिन हो गए होंगे, महीने इन्ना भी यो भी अपनी बुआ के लावे यार। और कल बुआ ते भी धमकी दे रही न्यू कहा तो इन्ना भी राख रही जी भी मना छेद पीट का गया था कहा आ किन्ना छेती थी तो नहीं छेद का काट रखा कहा यू इन्ने तो छेती। मारपीट भी करते हैं आपके साथ? हाँ जी मारपीट करा जी भी तो नहीं मरन दी यू मैं तो पीठ छेद का कट दी दिए खोए खोए तोड़ रखे थे और हाँ इंसान पड़ रही बाल में बाजियों का। तो कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं हुई कतई भी, मेडिकल करवाया का यहीं दर्द दी थी 22 दिन कुछ नहीं करा पुलिस वालों ने, अटका दरखास्तों दी फेरे ले जाकर वहाँ छुपे दे दिए मेरे ते, कोई कार्रवाई नहीं हुई कतई भी। विधायक तो मिला क्या आश्वासन दिया विधायक? बस जिन्ह भी क्या दिया कुछ भी नहीं, भी नहीं कर रहा कार्रवाई करवाया था अगर दरखास्त दे दो और दरखास्त में दे रखी उस पर DSP का गुना हो, मारी तो कोई सुनवाई नहीं रही कहीं भी। आपके पास भी गुहार लगा चुके हैं, सांसद के पास भी जा चुके हैं? देखिएगा वैसे एक दुखद ये दुखद घटना है, वैसे तो हम पता नहीं क्यों अपने संस्कारों को खराब खोते जा रहे हैं। तो एक जो महिला है जो सासू है सास है मतलब एक उसकी घर उसकी पुत्रवधी है, उन दोनों का आपस में कोई आपस का वो है, तो पुत्रवधी को भी मैं तो कहना चाहूँगा भाई उसको सास है उसकी उसकी सेवा करे। और वो तो उनके पास ज़मीन भी है, ऐसा भी नहीं है भी उनके पास कुछ नहीं है अभी कुछ देने के लिए, उसकी खुद उसके नाम ज़मीन है। तो मैंने मेरे संज्ञान में आई थी, मैंने पुलिस के माध्यम से उसको पहले प्रयास किया था, फैसला भी करा दिया था। अब मुझे नहीं पता पुत्रवधू क्यों दोबारा उस फैसले से दूर हो चली गई है, दोबारा फिर माननीय जो हमारे सांसद हैं भाटिया जी पीछे आए थे उनको भी समस्या रखी गई थी, उन्होंने भी जो मौजूद पुलिस के अधिकारी गण वहाँ पर थे अधिकारी गण उनको उनके संज्ञान में लाया था और उनको कहा था बेकायदा निर्देश दिए थे भी समस्या का समाधान होना चाहिए। पुलिस वाले इसका प्रयास कर रहे हैं, उसका चलान कर दिया गया और क्या कर सकते, चलान किया है। अब आज वो हॉर्स का लेकर के आई थी उसकी जो सास है उसकी लड़की की कोई मामला है, वो कह रही थी जी मैं उसका सामान लेकर आऊँगी दहेज में दे दिया, पता नहीं ऐसी इस प्रकार की बातें जो हैं मैं मानता हूँ शोभा नहीं देती है। तो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से आए हुए हैं तो उनको मैंने फिर दोबारा कहा है
भी समस्या या सीरियस समस्या है वो आपके सामने देखो। वो जो महिला कह रही थी सास, उन्होंने कहा मैं तो मर ही जाऊँगी इससे अच्छा, जब मेरा मतलब कोई सुनाई नहीं होगी, मेरा इतनी बेइज्जती हो रही है, तो मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट से खड़ा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि इसको सीरियसली लेकर के इसको आपने निपटवाना है, जैसे मैसे कर जैसे कर। तो अभी उन्होंने आश्वासन दिलाया शाम को SHO साहब आ जाएंगे वहाँ पर, उनसे मिल करके उनको दोबारा बुला करके उनको समस्या का एक अच्छा प्रयास किया जाएगा, भी उसका समस्या खत्म हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.